नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन अगर बिना किसी वजह के हमें बदनाम किया जाए, हम पर अभद्र टिप्पणियां की जाएं, तो इस सब से हम कैसे डील करें? और ये उलझन किसी को भी तनाव में डाल सकती है। एक अपकमिंग टेनिस प्लेयर नीति भी इसी तनाव से गुजर रही थी, लेकिन इस कहानी के कई और भी चौंका देने वाले पहलू थे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में आज इस केस पर अपना विश्लेषण देंगे जाने माने पत्रकार साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। आज हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हमारी भावनाएं व्यक्त करने का सोशल मीडिया एक जरिया बनता जा रहा है। कई बार कुछ लोग अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आज जब रेप जैसा क्राइम हमें शर्मिंदा कर रहा है, तब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई रेप की धमकी देने के लिए करे तो वाकई में मुद्दा काफी गंभीर है। सोशल मीडिया की ये वर्चुअल दुनिया अपराध के बड़े आवरण ओढ़कर एक विकृत माहौल पैदा कर रही है। आज का केस ऐसे कई सनसनीखेज मुद्दों से जुड़ा है जो चर्चा में थे। क्राइम का ढंग और क्राइम का मोटिव अचंभे में डालने वाला था। हेलो जयंत, मैं शबनम बोल रही हूँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन शबनम, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हें मरना होगा शबनम। क्या तुम? हाँ शबनम, इस मौत में ही अब हमारी जिंदगी छिपी हुई है। शबनम उठ जा बेटा। कहाँ गई? अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। आप यूं समझ लेना कि मैंने मौत को चुन लिया। अम्मी, अम्मी क्या हो? अम्मी बहुत गलत किया शबनम ने। मैं जानता हूं उसी लौंडे के साथ भाग गई होगी, लेकिन अब ना वो लड़का बचेगा ना ही शबनम। बेटा बेटा, तुझे खुदा का वास्ता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू शबनम को ढूंढ के ला दे, बस मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी, उसने खत में लिखा है कि सोच लो मैं तुम्हारे लिए मर गई तो सोच लो, लेकिन मौत उसको मैं ही दूंगा। तैयब, तुझे खुदा का वास्ता है तैयब। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? अरे सॉरी। क्या सॉरी? हाँ? अरे मैडम सॉरी बोल दिया ना, इतना अकड़ क्यों रही हो? अरे उसकी गाड़ी में स्क्रैचेस आए हैं, गुस्सा तो आएगा ही ना। मैम अब एक आप ये ले। बदतमीज लोग। अरे 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 रुको तो। अरे मैम और पैसे ले लो, ऐसे नाराज होके क्यों जा रही हो? रुक रुक, चल चल गाड़ी चल चल जा। सॉरी मैम। इट्स ओके, तुम कॉल ले लो। थैंक यू। हेलो नीति, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। संतोष, संतोष मेरा दो लोगों से झगड़ा हो गया और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्या, कौन है वो लड़के? पता नहीं, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था उनकी कार से।
हेलो नीति, हेलो हेलो। क्या हुआ संतोष? कौन थे वो दो लड़के जो आपकी बीवी की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे? सर मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन उन लड़कों की कार से ही नीति की कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? उसके बाद अचानक फोन कट हो गया और पिछले 7 घंटों से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने राजपुर रोड जाकर ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। तो आपकी बीवी राजपुर रोड पे थी? पता नहीं सर, लेकिन जिस टाइम पर उसने फोन किया था ना, वो रोज उसी टाइम पर स्पोर्ट्स एकेडमी से राजपुर रोड वाले रूट से घर आती है। आप प्लीज ढूंढिए उसे सर, प्लीज। देखिए हम पता लगाते हैं, आप अपनी बीवी की एक तस्वीर और गाड़ी का नंबर हमें बताइए। नीति की गाड़ी तो वहां है, लेकिन लाश यहाँ 500 मीटर दूर अंदर जंगल में मिली। सब बॉडी पर 3 गोलियों के निशान हैं, एक छाती पर, 2 पेट पर। और कार को बाहर जबरदस्ती रोका गया होगा, उसके बाद 500 मीटर अंदर जंगल में इसलिए लाए गए ताकि रेप किया जा सके। बॉडी पे खरोंच के निशान भी हैं। तो मामला लूट का हो सकता है, गाड़ी में से नीति का फोन या पर्स भी नहीं मिला है। सर गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच है, मामला रोड रेज का भी हो सकता है। शास्त्र ये मामला कुछ और ही लगता है। नीति के पति का कहना है कि दो लड़के नीति को फॉलो कर रहे थे। और गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि गाड़ी से ऐसा कुछ नहीं चुराया गया, लेकिन बॉडी से ज्वेलरी जरूर खींची गई है। उनका इरादा शायद रेप और कत्ल का ही था, जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई। ये राजपुर रोड है। नीति के पति ने बताया कि नीति हर रोज एकेडमी से इसी रास्ते से घर लौटती थी। रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो और खबरों को काम पे लगाओ। कहीं कोई गिरोह तो नहीं पनप रहा जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा? सर नीति, सर नीति कल शाम को 5 बजे निकल गई थी हमेशा की तरह। तो क्या नीति का कल किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ सर, कल जब वो प्रैक्टिस के लिए आई थी तो एक लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ था। सर मैंने नीति से उस लड़के के बारे में पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। बट आई थिंक सर वो लड़का काफ़ी टाइम से उसे स्टॉक कर रहा था। इस फुटेज में लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। नीति तकरीबन शाम को 5 बजे अकेडमी से निकली थी, उस टाइम की फुटेज पे लग रही है। सर यहाँ तो नीति अकेली दिखाई दे रही है, वो लड़का तो दिखाई नहीं दे रहा इस फुटेज में। हो सकता है उस लड़के को नीति का रूट पहले से मालूम हो। पता करो वो लड़का कौन है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों? बोलो रेहान, बोलो। एंड कट इट, गुड शॉट, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। गाइस नेक्स्ट शॉर्ट ब्रेक की बात करते हैं, इट्स अ ब्रेक। गरिमा बहुत अच्छा कर रही हो तुम, इस छोटे से रोल में तुमने जान डाल दी है। सर अब तो आपको लगता है ना कि मैं लीड रोल भी कर सकती हूँ? बिल्कुल, अपने अगले प्रोजेक्ट में करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन फिलहाल इस रोल पर फोकस करो। यू आर डूइंग रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कौन हो सकता है। पर नीति के दोस्त मोहित का कहना है कि शायद ये लड़का नीति को स्टॉक करता होगा। क्या नीति ने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया था? नहीं सर, लेकिन नीति एक उभरती टेनिस प्लेयर थी, उसके सोशल मीडिया पर कई सारे फॉलोअर्स भी हैं और पिछले कई दिनों से उसे सोशल मीडिया पर कोई तो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। नीति क्या हुआ? सर एक बार उसे सोशल मीडिया पर रेप की धमकी भी मिली थी। रेप थ्रेट्स दे रहे? वो साइबर बुलिंग का शिकार बन रही थी सर। साइबर बुलिंग के तो ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं। और आर यू श्योर कि नीति का कत्ल इस सब से जुड़ा होगा? सर अभी आप बता रहे थे ना कि कोई तो उसको स्टॉक करता होगा। कुछ महीने पहले ही हमारे घर के बाहर नीति के लिए किसी ने फूल भेजे थे। ये
लेकिन मैंने नीति को उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती। कहीं वो यही लड़का तो नहीं जो फूल छोड़कर गया था? अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी और नीति की, आई मीन आपके पेरेंट्स, नीति के पेरेंट्स कहाँ हैं? सर, नीति और मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ टाइम पहले उनका देहांत हुआ था। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। साहब, जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था। मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी। साहब, काले रंग की? वो साहब, आप बोल रहे थे ना नीति मैडम की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है वो काले रंग की गाड़ी वही हो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का नंबर पता चला? नहीं साहब, लेकिन मेरा पूछताछ चालू है, जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ आपको। अगर वो कार सीन में लगी हुई है तो मुझे दूसरी कार अरेंज करके दो, मुझे इमरजेंसी है। अरे चिल्ला क्यों रही हो रमेश? क्या तरीका गर्मा, वहाँ शॉर्ट रेडी और तुम यहाँ पर? तुम शॉर्ट क्लिक क्यों नहीं आ रही हो, प्रॉब्लम क्या है? सर, मैं शूट नहीं कर सकती, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, मुझे जाना होगा सर। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन ये शॉट बीच में छोड़ के जाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करो, ये सीन कंप्लीट करके चली जाना, बाकी का सीन हम कल शूट करेंगे। सर, ना तो मैं अभी रुक सकती हूँ ना मैं कल आ सकती हूँ, अब कुछ दिन के लिए मेरा शूट पोस्टपोन कर दीजिए ना। सर प्लीज, मुझे अभी जाना होगा, सॉरी, बाय। निधि के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जितने फॉलोअर हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर, नीति के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इन सब की फाइलिंग थोड़ा वक्त लगेगा। अगले वक्त नहीं है, डू इट फास्ट। और सबसे पहले जितने फॉलोअर भद्दे और फोर्ड कमेंट करते थे उन पर फोकस करो, हो सकता है वो हुडेड टी शर्ट वाला लड़का उन्हीं में से कोई एक हो। ओके सर। सर, राजपुरा रोड पर एक नारियल पानी वाला बैठता है, उससे पता चला कि उस शाम को लगभग 5:15 बजे नीति का झगड़ा हुआ था दो लड़कों के साथ में। उस एरिया के CCTV में सब कुछ कैप्चर हुआ है। सर, हम मानते हैं कि हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया सर। वोटर चेक किए हम। सर, हम उस डायरेक्शन में गए जरूर थे पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। सर, हम आगे से दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे। अब तो मैं सीधे रास्ते पर हम आए। माँ, माँ, क्या बोला डॉक्टर ने? और पापा कैसे? डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी करवानी पड़ेगी और 5 लाख का खर्चा बता रहे, और अब तक का बिल 1.5 लाख बना चुके। ये 1.5 लाख देने भी भारी पड़ रहे हैं, 5 लाख कहाँ से लाएं? माँ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ, आप इतनी टेंशन मत लो। सर, नीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, रेप के कोई साइन नहीं है। बॉलिस्टिक रिपोर्ट में लिखा है कि 0.8 mm की पिस्टल से उसे शूट किया गया है। मौत का वक्त 7:00 PM। और पिस्टल से इन दोनों लड़कों का कनेक्शन? नहीं सर, हालांकि कल शाम से इन लोगों की कुटाई चल रही है लेकिन कुछ उगल नहीं रहे। वैसे ये दोनों लड़के हुडर टी शर्ट वाले लड़के से अलग तो लग रहे हैं। नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से क्लीट? नहीं सर, कुछ खास हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, स्कैन हो रहे हैं। नीति के हस्बैंड ने बताया कि उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी, हो सकता है एंगल गिल्टेड लवर का, शायद नीति का पुराना शिक, पता करो। सर, सर नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड एक अकाउंट मिला है जो किसी सुनील नाम के लड़के का है, सस्पिशियस है। सर, उसकी प्रोफाइल में फोटोज हैं। इस अकाउंट में जितनी इन्फॉर्मेशन है सब फेक है, हम इसका IP एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फेक है तो हो सकता है कि फोटोग्राफ भी फेक हो। माँ, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पापा के इलाज के लिए पैसों का अरेंज कर लिया। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम तूने कहाँ से किया? माँ, बोलना गरिमा। वो गरिमा, इतना हिचक क्यों रही हो? बता दो आंटी को कि वो पैसे मैंने तुम्हें दिए। तुमने? माँ, ये मनीष है, मेरा कॉलेज फ्रेंड, मैंने मनीष से हेल्प मांगी तो। अरे, इसमें हेल्प कैसी, तुम्हारे पापा मेरे पापा जैसे ही तो हैं।
ये तो मेरा फर्ज था आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। क्यों गरिमा? सर, नीति के कॉल रिकॉर्ड्स में इस तैयब नाम के लड़के का नंबर मिला है। हत्या के पहले तक नीति लगभग रोज इस नंबर पर बात करती थी, अब इसका नंबर बंद आ रहा है। तो क्या अंकल अफेयर का ही है? इस तैयब का नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? एड्रेस गुजरात के भरूच का है। गुजरात पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, इस तैयब की इन्फॉर्मेशन निकलो। मैं नीति के हस्बैंड संतोष से मिलता हूँ, शायद उससे इस तैयब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। इस लड़के का नाम तैयब है, आप जानते हैं? नहीं सर, और आप गलत सोच रहे, नीति का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। पर आपकी बीवी नीति इसे बार बार फोन कर रही थी। ये संतोष कुछ तो छुपा रहा है, हो सकता है इसे अपनी बीवी के अफेयर के बारे में कुछ पता चला। ऋषि ने हाँ शाश्वता सर, नीति की स्पोर्ट्स एकेडमी से उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन मिली है। माँ, जब से पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं आप रोज हॉस्पिटल में ही रुक रही हैं। आज आप घर पे आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। लेकिन बेटा तुम्हें तो मनीष के साथ बाहर जाना है ना। मनीष के साथ बाहर मतलब? अब इतनी भी बन मत। मनीष, मनीष ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी भी करना चाहते हो। सर, नीति का असली नाम शबनम था। शबनम? यस सर, दो साल पहले उसने एफिडेविट में मेंशन किया था कि वो अपना नाम शबनम से बदलकर नीति रख रही है। उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी से एफिडेविट की कॉपी मिली, और सर ये नीति उर्फ शबनम भरूच की रहने वाली थी। भरूच? और ये तैयब? ये तैयब भी तो भरूच का रहने वाला, राइट? यस सर, लेकिन एक बात खटक रही है, नीति के पति ने हमसे ये क्यों छुपाया कि उसका नाम पहले शबनम था? वो हमसे और भी बहुत कुछ छुपा रहा है, उसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले जरा इस तैयब से मिलते हैं, आखिर पता तो चले कि शबनम की नीति बनने के पीछे की असली कहानी है क्या। अम्मी, मैंने खाना बना दिया, अभी जरा एक काम से बाहर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही थी? वो भाईजान, एक फ्रेंड से नोट्स लेने जा रही थी, एक घंटे में लौट आऊंगी। चेहरा क्यों खुला रखा है? डाक? इसके बाइक पे बैठ के तो घूम रही थी, बहुत पर निकले क्या? बता कौन था लड़का? बस बस शबनम, ये सच है जो तैयब कह रहा है? मैं प्यार करती हूँ उससे। प्यार करती है तू? अम्मी, शबनम को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। तू मुझे खोल दे, मैं तुझे लेके जाता हूँ उसके पास। खोल। तुम उससे चालाकी कर रहा है, तू सच बता कि शबनम कहाँ है? तैयब कहाँ है? वो तो नहीं है। मैडम, तलाशी लो पूरे घर की। अरे मैडम, क्या कर रहे हैं आप? कोई कोना बचने ना पाए, उधर देखो। अरे मैडम, मैं कह रही हूँ कि तैयब है यहाँ से। क्या है ये? तेरी माँ तो मेरी मुरीद हो गई, और तू कितनी आसानी से मेरी जिंदगी में आ गई। प्लीज मुझे जाने दो। तेरी बहन शबनम ने अपना नाम बदलकर नीति रख लिया था, और तू लगातार उसे फोन कर रहा था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं कहाँ? बोलना, क्या छुपा रहा है? मैं कैसे फोन कर सकता हूँ मैडम? वो मेरे नाम का सिम कार्ड अम्मी इस्तेमाल कर रही, तो वो फोन कर रही थी उसको। तो तेरी अम्मी ने तुझे बांध कर क्यों रखा था? वो शबनम का पता पूछ रही थी मुझसे। मैडम, मैं खुद हैरान हूँ कि अम्मी खुद शबनम से बात करती थी फोन पे, और पता मुझसे पूछ रही थी। जयंत उर्फ संतोष,
तो तुम बन गए जयंत से संतोष और तुम्हारी बीबी बन गई शबनम से नीति। अब इस परिवर्तन का कारण बताओगे, क्या वजह थी? सर, हम दोनों अपना नाम बदलने के लिए मजबूर हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शबनम का भाई वो हमारी जान का प्यासा बन गया था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। तैयब की डर से वो शहर छोड़कर हम यहाँ आ गए और वो हमें कभी ढूंढ ना पाए, इसलिए हमने अपने नाम बदल दिए। पर ये बात तो तुम हमें पहले भी बता सकते थे और तुमने नहीं बताई, क्यों? सर, मैं बताने वाला था लेकिन मैं डर गया था। डर गए थे या हमें घुमा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी वहां से कोई कांड करके यहाँ भाग कर आए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उस दिन जब तैयब की फोटो दिखाई मुझे, तब मैं खुद हैरान हो गया था कि नीति तैयब से फोन पे बात कर रही थी। तैयब का कहना है कि नीति उस नंबर पर तकरीबन हर रोज अपनी अम्मी से बात करती थी, ये बात तुझे पता थी? नहीं सर, नीति ने तो मुझे बताया था कि उसने सबसे नाता तोड़ दिया था। हाँ सब ये सच, ये नंबर मैं इस्तेमाल करती। तो अभी आप अपनी बेटी से सिर्फ फोन पर टच में थी? वो तो अपने भाई के डर से मुझसे रिश्ता तोड़ के चली गई थी। दो बरस से मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई थी और 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। अम्मी, मैं शबनम। शबनम, कहाँ है तू बेटा? अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया और दिल पे पत्थर रखकर इतने वक्त तक आपसे दूर रही, लेकिन अब और नहीं। शबनम, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए, कहाँ है तू बेटा? उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर मुझे फोन किया करती थी। और एक दिन तैयब ने देख लिया मुझे शबनम से बातें करते हुए। हाँ कमीनी, कहाँ है तू? बोल, तू कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ है शबनम? मुझे नहीं मालूम। बोलेगी शबनम कहाँ है? वो शबनम से नफरत निकालने के लिए मुझे मारने लगा और शबनम का फोन भी बंद आने लगा। मुझे लगा कि तैयब ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, इसलिए मैंने उसका हाथ पर बांध दिया था और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसने मेरी बेटी को। अम्मी को गलत फहमी हुई है साहब, मैंने शबनम को नहीं मारा। जिस शाम तेरी बहन शबनम का कत्ल हुआ तेरा फोन बंद था, क्यों? क्योंकि तू कत्ल करने के इरादे से अपना फोन बंद करके भरूच से पुणे आया था, है ना? साहब, मैं भरूच में ही था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। तेरी बैटरी तो हम चार्ज करेंगे। बोल, वो पिस्टल कहाँ है जिसे तूने मर्डर किया? यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो तोड़ो जरा इसे। नीति यार, ये क्या हो गया? तुझे मरना नहीं चाहिए था यार, तेरे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा? तोड़ अंदर देखो सर। अंदर कोई नहीं है सर, यहाँ भी कोई नहीं है। अरे सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। तो नीति को भद्दे भद्दे मैसेज तू भेजता था? और उसके घर पर वो बुके भी तुमने ही छोड़ा था और तूने नीति के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की थी। सर, मैं तो प्यार करता था नीति से। प्यार करता था तो नौटंकी बनकर सीधे सीधे बोल, वो पिस्टल कहाँ है? कौन सी पिस्तौल? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं मारा तो सर? सर मेरी सर मैं सर कुछ अर्सा पहले एक नेबरिंग स्टेट में भी एक फैन ने आरजे पर अटैक किया था,
ये सनी को लाइटली मत लेना, हो सकता है कांड इसी ने किया। सर लेकिन सनी के घर से कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई, समझ नहीं आ रहा उसके पास 0.8 mm की पिस्टल आ कैसे गई, और इधर नीति के भाई तैयब ने भी कुछ कबूल नहीं किया। और उसकी माँ को उस पर पूरा शक है। सर ये विवेक और विशाल का क्या करना है, वो लोग भी कुछ कबूल नहीं कर रहे हैं। छोड़ दो सबको, लेकिन नजर रखो, हो सकता है इनमें से कोई बाहर जाकर हमें इस केस की लीड दे दे। सर टेंशन मत लो संतोष, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। गरिमा ये चोट कैसे लगी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई थी, मैं ठीक हूँ। अपने बेटी के लिए तूने मुझे अंदर करवा दिया था ना, अब देख तेरे सामने खड़ा हूं, अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। तूने मेरी शबनम को मारा ना, मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अच्छा अब लगता है तुझे भी मरना है। कुछ भी बोल रहे हैं सर, मैं नीति से प्यार करता था, मैं उसको क्यों मरवाऊंगा? क्योंकि तेरा तेरी बॉस दृष्टि के साथ अफेयर चल रहा था, और तेरा शबनम उर्फ नीति से दिल भर गया था, तू उसे पीछा छोड़ना चाहता था, और जब तुझे नीति ने फोन करके बताया कि दो लड़के उसे फॉलो करने, तूने मौके का फायदा उठाने की सोची, तो खुद वहां गया, नीति को मारा और खुद आ गया हमारे पास बेचारे पति की एक्टिंग करने। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, दृष्टि सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, नीति ने हम पर कभी शक नहीं किया, और आप? तेरी अच्छी दोस्त दृष्टि ये कबूल कर चुकी है कि वो तुझे अपना क्या मानती है, अब तू भी मान जा वरना हम मनवाएंगे। मैडम मैं मानती हूँ कि मैं संतोष को पसंद करती हूँ, मगर जैसा आपको लग रहा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो तुम मान रही हो कि संतोष तुम्हारे लिए नीति को छोड़ सकता था? ये बात सच है कि मैं नीति को छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने उसको मार दिया, और दृष्टि मेरी जिंदगी में आई उसकी वजह भी नीति ने पैदा की। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, क्योंकि बड़ी स्टार प्लेयर बन रही हो ना तुम अभी, और अब तो तुम्हें मेरा साथ भी खटकने लगा है। देखो आप ज्यादा बोल रहे हो तुम, और इतना ही खटक रहा हूं तो छोड़ दो ना मुझे, ये भी इस गुमनाम जिंदगी से थक गया हूं, और यही दूरी मुझे दृष्टि के करीब ले आई। लेकिन नीति के मर्डर के साथ ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही दृष्टि का, आपको यकीन नहीं होता तो आप साबित कीजिए ना, आप इस तरह से मुझे यहां बैठा के नहीं रख सकते सर। नीति और शबनम की हत्या के मोटिव अब उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, रोनल राइवलरी और ऑनर किलिंग, हर तरह का एंगल इस केस में नजर आ रहा था। हिस्ट्री शीटर समेत कई लोगों को नामजद किया, सनी, तैयब, देवेंद्र, विशाल, विवेक और संतोष समेत कईयों के साथ सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस 3 महीने तक चार्जशीट तो क्या, किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई सबूत तक भी नहीं जुटा पाई थी, और गुजरते वक्त के साथ इस केस की हर लीड ड्राई हो चुकी थी और सभी मेजर सस्पेक्ट्स बेखौफ हो चुके थे, पर असल में क्रिमिनल कौन था पुलिस 3 महीने तक भी भांप नहीं पाई थी। गरिमा कहाँ है बेटा? लेकिन मुझे लगा वो यहाँ होगी। अरे वो तो बोल के गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है। नहीं आंटी वो नहीं मिली मुझसे, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं उसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ।
को देख के लग रहा है पहले इसका रेप किया गया और उसके बाद इसे शूट किया गया। पता करो कौन है ये। सर, पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि गरिमा की मां ने एक थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। गरिमा! ये शहर एक बार फिर दहल गया। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली गरिमा मुंबई के छोटे पर्दे की अदाकारा थी, जो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे शहरों में वाकई में महिलाएं सुरक्षित है। क्या गरिमा किसी रंजिश का शिकार हुई है या कहानी कुछ और है? छोटे पर्दे की चकाचौंध के पीछे की कड़वी सच्चाई से हम सब वाकिफ है। क्या ये पहलू ने इस हत्या को रंग दिया है? इस हत्या के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? सर, क्या मामला क्या है? सर, उनका कहना है कि गरिमा को उसी पिस्टल से शूट किया गया। ये गरिमा के केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। सेम पिस्टल से शूट किया गया तो हो सकता है कि कातिल भी सेम ही हो। यस सर। सर, नीति के साथ रेप नहीं हुआ था। तो नीति की तरह ये गरिमा भी शादीशुदा थी? नहीं सर, लेकिन उसका एक मंगेतर है और ये भी पता चला है कि उसका पहले भी अबॉर्शन हो चुका था। गरिमा की मदर ने मनीष पे कोई डाउट नहीं किया? आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची? हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के पास एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इसे देख के लग रहा है कि इस वक्त इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। संगम चट्टी में काफी फार्म हाउसेस है। हम पता करवा रहे हैं कि शायद गरिमा को कहीं किसी ने देखा हो। वैसे क्राइम सीन से गरिमा का पर्स गायब और हत्या के बाद भोसले रोड से उसके एटीएम को यूज करके कैश भी विड्रॉ हुआ है। हमने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। इस लड़के ने तो सेम वैसी हुडी टी शर्ट पहनी है जैसी सनी ने पहनी थी। सनी को हमने 3 महीने पहले छोड़ दिया था, उसने फिर से। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने एरिया में कई बार देखा है। ये सामने वाले फार्म हाउस में आया जाया करती थी। इस फुटेज में इस लड़के के हाथ पर एक टैटू नजर आ रहा है, जबकि सनी के हाथ पर ऐसा कोई टैटू नहीं, ये कोई और है। हेलो, ओके, हम आते हैं। सर, हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के मोरे फार्म हाउस पर थी और वो फार्म हाउस मनीष के दोस्त का है। सर, फिर भी मान तो सुनिए। सर, मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ थी, तो मारा नहीं है सर मैंने उसे। गरिमा जिस हालत में फार्म हाउस से निकली थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे मॉलेस्ट किया गया होगा। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, इससे पहले एक बार अबॉर्शन करवा चुकी। तू मजबूर कर रहा था उसे? सर देखिए, मैं ना लोन देने का काम करता हूँ सर, और गरिमा मुझे पहले से पसंद थी। जब वो सर मुंबई में थी ना, तो मैंने उसे 2 लाख रुपए का लोन दिया था, और सर जब उसके पापा हॉस्पिटलाइज हुए तो वो वापस से मेरे पास आई। सर, मनीष, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पहले के 2 लाख रुपए भी अभी तक नहीं चुका पाई हूँ, लेकिन मेरे पापा। बस करो गरिमा, पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। करोगे ना? सर, वो मान गई थी सर, और हम आए दिन उसके साथ। तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर गरिमा का रेप किया, फिर तो डर गया कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो तू फंसेगा, इसलिए उसे मार दिया। सर, नहीं सर, मारा नहीं है सर मैंने उसे, वो मेरे साथ थी सर। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे सच में नहीं पता सर। हम बताएंगे इसके बाद क्या हुआ, जरा बताओ। सर, मनीष तो कुछ कबूल नहीं कर रहा और ना ही उसके दोस्त, और ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा जिससे ये साबित हो सके कि उन लोगों के पास 0.8 mm की पिस्टल होगी। वो लड़का जिसने गरिमा के ATM कार्ड से पैसे विड्रॉ किए थे, उसके हाथ में टैटू था, लेकिन इन दोनों के हाथ में कोई टैटू नहीं है। विवेक और विशाल का भी नीति और गरिमा से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट नीति और गरिमा का इन दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं, और ना ही इनसे जुड़े लोगों का। इन दोनों केसेस में अगर कुछ भी कॉमन है तो है मर्डर वेपन, वो पिस्टल। नीति के केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्राइम सीन पर नीति की कार के पास एक ब्लैक रंग की कार देखी गई थी। जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था, मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी साहब। जबकि विवेक और विशाल की कार सिल्वर रंग की है। सर, हमें लगा था कि विटनेस को कोई कंफ्यूजन होगा। विटनेस कौन था? सर, मुझे कांस्टेबल कुमार ने बताया था। सर, मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी खबरी ने दी थी और इसे एक विटनेस से पता चला था। कौन विटनेस? तुम खुद मिले थे विटनेस से? नहीं सर। क्यों?
खबरी ने कहा तो उन्हें मान लिया, खुद क्यों नहीं मिले? सर वो व्हाट वो किस खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी थी? पूरी बाजू की शर्ट पहन के गया होता तो ये पंगा ही नहीं होता। पुलिस का जो दूसरा खबरी है ना, वो जानता है कि तू मेरा दोस्त है, और उसने तेरे हाथ पे टैटू देखा होगा तो बहुत बुरे फंसोगे। कैसे भी करके टैटू निकाल। हाँ, और तुम दोनों मिनट लो। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, हम कातिल को हर जगह ढूंढ रहे थे और तू हमारा आदमी होकर हमारी नाक के नीचे कान कर रहा था। तो इतना भरोसा करके हमने तुझे काम दिया और तू तो हमें ही घुमा रहा था। क्या काम दिया साहब? ये 400-500 की चिंदी से घर चलता है क्या? आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई साहब मेरी ऐसे ही। इस तंगी की वजह से बीवी ने घर पे इज्जत करनी छोड़ दी है साहब। बहुत परेशान था मैं उस दिन। पन्नीति और गरिमा, उन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बहुत अकड़ती साहब उसको। अरे आप नीति मैडम है ना, वो जो टेनिस खेलती है। मैम एक सेल्फी मिलेगा कि आपके साथ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। क्यों चाहिए सेल्फी? मैम दोस्तों को बोलूंगा ना कि आपसे मिला था, 2 सेकंड लगेंगे मैम। अरे मना किया ना, हद में रहो अपनी, समझ में नहीं आता एक बार में। हटो यहां से, हटो। एकदम से मेरी इज्जत उतारती साहब। फिर साहब आपसे इंफॉर्मेशन मिला कि नीति की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या करती है? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? और हम भी अपनी गाड़ी लेकर वहां गए थे साहब। मेरे को डर था कि किसी ने मुझे वहां देख न लिया हो, इसलिए आपको गाड़ी का दूसरा रंग बोल दिया था। साहब बोल। मेरे को नहीं मालूम था साहब कि वो एक्सीडेंट का कारण ही दूसरा दो लड़कों के साथ जुड़ा हुआ था। और गरिमा, उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, उस दिन बहुत तंगी थी साहब। दारू पीने तक के पैसे नहीं थे और उस लड़की पे नजर पड़ गई। साहब इसके इस टैटू की वजह से फंस गए, वरना पकड़ नहीं पाते आप मेरे को साहब। बहुत शाना समझता है खुद को, पुलिस के लिए काम करता है, फिर भी ये कैसे भूल गया कि कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना, कानून का शिकंजा हर मुजरिम पे एक ना एक दिन कसता ही कसता है। तुम कैसे नहीं पकड़ा? इस केस में एक खबरी खुद ही एक बड़ी वारदात में एक्यूज बनकर सामने आया है, जो सिर्फ समाज ही नहीं तो पुलिस की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में भी काफी हलचल हो रही होगी। नीति और गरिमा ऐसी विक्टिम्स थी जिनकी पर्सनल लाइफ कई तरह के तनावों से गुजर रही थी, लेकिन इन दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे लेकर इन दोनों की चुप्पी कतई सही नहीं थी। हालांकि क्रिमिनल्स के मोटिव का इन विक्टिम्स के पर्सनल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर ये दोनों शुरुआत में ही खुलकर पुलिस के सामने आई होती, इनके साथ ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।